वैलेंस टाइम डे क्यों मनाया जा रहा है? हाँ वैलेंस टाइम डे क्या नाम साक्षी का सवाल है, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? वैलेंटाइन क्या शब्द है? वैलेंटाइन के आज से 1800 साल पहले यानी कि अभी 21वीं सदी चल रही है ना, वो तीसरी सदी की बात है। उस समय एक संत हुआ करते थे रोम में, यूरोप में है, रोम किस महादेश में है? यूरोप, यूरोप महादेश में, रोम में। तो वो उनका नाम था वैलेंटाइन, और उस रोम के जो राजा थे वो अपने सैनिकों को विवाह नहीं करने देते थे। उनका कानून था कि अगर हमारे सैनिक विवाह कर लिए तो फिर वो अपना पति परिवार में फंस जाएंगे, पति पति परिवार होता है ना, तो अपना दिमाग उनका जो डाइवर्ट हो जाएगा और सही लड़ाई नहीं कर पाएंगे युद्धभूमि में। तुमसे सवाल हम पूछेंगे, जो हम बोल रहे हैं अगर शादी हो जाएगी तो अपना परिवार लोग फंस जाएगा सैनिक हमारा, तो फिर हम युद्ध हम हारते चले जाएंगे, तो इसीलिए हमारा साम्राज्य विस्तार भी नहीं हो पाएगा और हमारा साम्राज्य भी छीन जाएगा। तो वो ऐसा उनका प्रलोभन था राजा का। तो अब प्रेमी क्या करे, बीच में शादी की इच्छा तो सबके होती है। तो उनके दरबार में एक सैनिक थी, उनकी एक लड़की थी, उनको प्रेम हो गया, उनको प्रेम हो गया और वो संत जो है वो संत के पास गई और ये दरबार जो हुआ संत ने उनको दिखलाया रास्ता, बोल ठीक है प्रेम अगर हुआ है तो शादी होगी, शादी होगी। ऐसा क्यों रह जाता है, जो क्यों बदलती है? अब इसमें दो तीन तरह की बात चल रही है। चल रही है कि वैलेंटाइन एक संत थे और उन्होंने सैनिकों का शादी करवाना शुरू कर दिया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को कत्ल कर दिया, ये भी बात चल रही है। और एक बात ये भी आई है कि वैलेंटाइन जो थे चूंकि संत थे तो उनका कहना था कि ये प्रेम जो है वो आत्मा के साथ करिए, परमात्मा से करिए, ईश्वर से करिए, अल्लाह से करिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। तो इससे क्या होगा, गलत रास्ता में कोई नहीं सुनाई ना, वो प्रेम करना है तो आप ईश्वर से करिए, अल्लाह से करिए, परमात्मा से करिए। तो यानी उन्होंने जो है वैलेंटाइन जो संत थे उन्होंने अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म समझते हो वही ईश्वर अल्लाह की तरफ, ईश्वर या अल्लाह जो करो उसके तरफ उन्होंने प्रेम को डाइवर्ट कर दिया। जो लड़का चाह रही थी कि हम शादी करेंगे और उनका ऐसा दिमाग कर दिया कि तुम भगवान से प्रेम करो, तो उससे क्या हुआ उनका मैंने कहा गया कि वो लड़की का जो है ना आँख खोल दिया, वो अंधी थी प्रेम में, तो उनका आँख खोल दिया, उनका आँख में रोशनी दे दी गई। तो रोशनी किस चीज की दी गई, रोशनी दी गई उनको ईश्वर से जुड़ने की रोशनी, बल्कि वो अंधी नहीं थी, थोड़े उसको आंख आ गई, आंख आया कि ज्ञान आया कि हमको कहां पर प्रेम करना चाहिए, समझ रही हो ना, अध्यात्म के तरफ ज्ञान उनको कर दिया। संगले की राजा ने नहीं माना जैसा कि बदलती है, तो उन्होंने वैलेंटाइन को जो है मृत्युदंड की सजा दे दी, उनको कत्ल कर दिया गया, गर्दन जो है जो भी सुन रहे हैं। तो वही उन्हीं के याद में जो अभी प्रेमी युगल क्या करते हैं कि वो प्रेम में वो दिल जाकर उसको बदल दिए, रावट कर दिए, वो चाह वो कर रहे थे क्या, लेकिन बात कहाँ से क्या हो गई, वो कर रहे थे भगवान से प्रेम करवा रहे थे। अब लोगों ने क्या किया, युवाओं ने लड़का लड़की अभी क्या कर रहा है, नहीं वो चाह रहे थे मेरे सबका शादी होना चाहिए, चलो वो हमारा ये गुरु हो गए, लव गुरु हो गए वैलेंटाइन, और उन्हीं के याद में हम लोग जो है आज जो है उनका आगे है कत्ल उनका किया गया था, तो चलो उनके याद में उनका नाम नहीं मिटे, इसीलिए उस डे के रूप में हम जुगल जो है उसको मनाएंगे। अब उससे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, तीन चार दिन पहले कोई दिन क्या हम डे तो किस डे तो चॉकलेट डे तो टेडी बियर जो टेडी डे या गिफ्ट डे ये सब मनाया जाता है पूरा सप्ताह समय,
और आज 14 फरवरी है तो आज पूरा स्पेशल टाइम है, सभी प्रेमी जुगल जो है नया नया कपड़ा जो भी आपको पहनता है दोनों मिलता जुलता है ये सब करने लगे। लेकिन यमुना की तुम लोग समझना इस चीज को, चूंकि प्रेम बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है प्रेम, इसको याद रखना। तो अब क्या कर रहा उस जो लड़का है आजकल, वो तो प्रेम के बहाना लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है कि तुमसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन उसके साथ वो गलत काम कर जाता है। लड़कियां तो खुद से प्रेम खोजती है ना, लड़का से क्या खोजती है, प्रेम खोजती है, और वो प्रेम के लिए उनके पास जाती है। लड़का जो है अब उनसे प्रेम के बहाना उनके साथ गलत काम कर लेता है। लड़की आती है उनसे प्रेम खोजने, लेकिन लड़का प्रेम के बहाना उनसे गलत काम कर जाता है। उससे बचना, उससे क्या करना है, बचना, यही आंख खोलना हुआ, इसी को शर्त ने आंख खोल दिया। तो अब हमारे भारत वर्ष में कह रहा है कि नहीं नहीं हटाइए जाने दीजिए, वो विदेशी चीज है, रोम की चीज है, विदेशी चीज है। यहाँ पर मातृ पितृ दिवस के रूप में आज मनाया, क्योंकि माता पिता का आजकल अवहेलना